नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। राज कुंद्रा अश्लील फिल्म केस में जहां एक तरफ मुंबई क्राइम ब्रांच की तरफ से नए नए खुलासे किए जा रहे हैं, एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ और शर्लिन चोपड़ा से भी इस केस में मुंबई पुलिस पूछताछ करने में जुटी है। शर्लिन चोपड़ा को डर है कि कहीं इस मामले में उनकी भी गिरफ्तारी ना हो जाए। ऐसे में शर्लिन ने मुंबई सेशन कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, साथ ही बेल की अपील पहले ही कर डाली थी, लेकिन कोर्ट से शर्लिन चोपड़ा को झटका लगा है। शर्लिन चोपड़ा की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। पुलिस ने कोर्ट में बताया है कि शर्लिन चोपड़ा पोर्न रैकेट केस में गवाह हैं, इसलिए उन्हें पुलिस ने इस मामले में समन किया है। शर्लिन की तरफ से उनके वकील ने कोर्ट में ये दलील दी थी कि एक्ट्रेस को गिरफ्तारी की डर नहीं है, वे बस खुद का बचाव कर रही हैं। पोर्नोग्राफिक रैकेट केस में बिजनेसमैन राज कुंद्रा पहले से ही जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने इस केस में शर्लिन चोपड़ा और गहना वशिष्ठ को बयान दर्ज करने के लिए समन किया है। दोनों एक्ट्रेस पुलिस के सामने पेश नहीं हुई हैं, दोनों ही कुछ और दिनों की मोहलत मांगी है। शर्लिन चोपड़ा चाहे पुलिस के सामने गवाही देने से बच रही हों, लेकिन मीडिया के सामने शर्लिन ने राज कुंद्रा पर गंभीर आरोप लगाए थे। शर्लिन ने दावा किया था कि राज कुंद्रा ने ही उन्हें एडल्ट फिल्मों में बिजनेस में धकेला है। शर्लिन के मुताबिक राज ने उन्हें एडल्ट कंटेंट में काम करने को कहा था। पहले एक रोल ऑफर किया और फिर बाद में एडल्ट कंटेंट बनाने को कहा। शर्लिन ने खुद को पोर्नोग्राफी रैकेट का विक्टिम बताया है। अब सच क्या है, मुंबई क्राइम ब्रांच की पूछताछ के बाद ही साफ होगा। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।